सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। पलामू जिले के छतरपुर एसडीपीओ आवास और थाना परिसर में 17 सितंबर से चल रहे सेवा ही समर्पण अभियान के तहत पर्यावरण धर्म के प्रार्थना के साथ परिजात व कपूर का पौधा लगाया गया। विश्वव्यापी पर्यावरण संरक्षण अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पर्यावरण धर्मगुरु व वन राखी मूवमेंट के प्रनेता पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल ने थाना परिसर और एसडीपीओ आवास में पौधारोपण कर शपथ दिलाते हुए किचन प्लांट के साथ कई दुर्लभ प्रजाति के पौधे में कल्पतरु, सिंदूर, हींग, ऑस्ट्रेलियन बैर, रुद्राज, कपूर, लवंग, इलायची, दालचीनी, सफ़ेद चंदन एसडीपीओ आवास में उपलब्ध कराए। उन्होंने मौके पर कहा कि वृक्ष और पुलिस दोनों में काफ़ी समानता है, इतना ही नहीं दोनों में सांसों की अटूट रिश्ता है। पुलिस और पौधों में फर्क बस इतना है कि वृक्ष जीने के लिए ऑक्सीजन देती है और पुलिस लोगों को ऑक्सीजन लेने से कोई नहीं रोके इसकी सुरक्षा करती है। एसडीपीओ राजेश कुमार ने पर्यावरण कौशल किशोर जायसवाल द्वारा लंबे अरसों से किए जा रहे निःशुल्क पौधारोपण व वितरण की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रदूषण और एलोपैथी दवा के युग में पौधारोपण का कार्य काफी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि उससे निजात पाने के लिए समाज के हर वर्ग के लोगों को पौधारोपण करने और उसकी सुरक्षा के लिए आगे आना चाहिए, तभी हम प्रदूषण की धधकती आग को शांत करने में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। वहीं थाना प्रभारी गौतम कुमार ने कहा कि पौधा लगाना तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण उसे बचाना है। कहा कि लोगों को बच्चों की तरह पौधा का देखभाल करना चाहिए। इस अवसर पर एसआई अशोक सिंह, देवेंद्र सिंह, पंकज कुमार, ग्राम डाली बाजार के उप मुखिया अफजल अंसारी, कर्मा चराई के सुभाष कुमार गुप्ता, चंदन कुमार और कई पुलिसकर्मी शामिल।